हेलो, वेलकम टू ऑल। इवन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। तो क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। 15 तक हम पहले कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 16वां करेंगे। अब 16वां क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। एक सिगरेट 3 मीटर लंबी है, वह पूरी जलने में 12 मिनट लेती है यदि कोई कश न लिया जाए। अच्छा जी, यदि कश लिया जाए तो वह 3 गुना तेजी से जलती है। यदि एक कश 5 सेकंड में लिया जाए तो सिगरेट पूरी 8 मिनट में जल जाती है। तो कुल कश की संख्या क्या कीजिए। देखो हम कैसे करेंगे इसको, ऐसा करेंगे, हमें मालूम है 12 मिनट में तो जलनी थी, जल कितने हुई थे 8 में, तो यहाँ पे गैप कितने आ गए, 4 मिनट का। 4 मिनट का मतलब क्या होता है, 240 सेकंड। इन 240 सेकंड में क्या था, कश भी 8 मिनट में कश भी लिए थे और गैप भी लिया था। तो इस तरह से ये गैप बराबर हम कश में समय में गैप निकालेंगे। जैसे कि 5 सेकंड, अच्छा कश ना लिया है तो कितने में चलेगी ये, वो 15 में, तो 3 गुना है। तो यहाँ से कितना हुआ, एक कश का गैप आपका हुआ, ये आ गया आपका 10 सेकंड का, ठीक है ना। अब टोटल गैप कितना है, 240। तो 240 करने के लिए यहाँ 24 का गुणा कर सकता हूँ, यहाँ भी 24 का गुणा कर सकता हूँ। तो मुझे मालूम चल गया 24 कस लेने पड़ेंगे, जब जाके 240 सेकंड का जो गैप होगा ना उसे फिल करना पड़ेगा। इन्हें क्या करना पड़ेगा, 240 का गैप फिल करने के लिए इसे टोटल 24 कस लेने पड़ेंगे। तो ऑप्शन में आपका 240 है कहीं, है ना। तो बस आगे करते हैं, चलो। आगे करते हैं, चलो। अच्छा, ये सेव कर रखा है मैंने पेज, टेलीग्राम से ये सॉल्यूशन सहित पेज ले सकते हो आप, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है A1 एजुकेशन का, वहाँ से ले सकते हो, इसलिए मैं प्रत्येक को सेव करते हुए चलूँगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये 17वां क्वेश्चन। ए पहले 3 दिन काम करता है, फिर 6 दिन बी काम करता है, ठीक है, और काम करके ख़त्म कर देता है। ए 2 दिन काम करे तो बी 9 दिन काम करके ख़त्म कर देता है 9 दिन में, मतलब ये थोड़ा करेक्शन कर लेने से कुछ से, ठीक है, हो जाता थोड़ा बहुत। दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। अच्छा, पहले किया ए ने, फिर 6 दिन बी ने किया, काम पूरा हो गया। ऐसे 2 डे ए ने किया प्लस 9 बी ने किया, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना निकल गया, 3:1। अच्छा, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क देखो इसमें रख लो 9 9 और 6 15, 15 यूनिट हो गया। अब दोनों कितने एफिशिएंट से करेंगे, एक दिन में 4 यूनिट करेंगे, तो 15 यूनिट कितने में कर लेंगे, 3 सही 3 वट्टे 4 डेज में, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, तो आंसर नंबर ए, ठीक है ना, आंसर नंबर ए हो गया। अच्छा आगे करते हैं, चलो। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट देखो। ए किसी कार्य का 25% तथा शेष बी करके कार्य को 20 डेज में ख़त्म कर देता है। यदि बी 25% तथा शेष ए करे करे कर लेना तो काम 30 डेज में ख़त्म हो जाता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ए लिख लिया, यहाँ पर मैंने बी लिख लिया। अगर ये 25% करे और ये शेष करे तो काम कितने डे में ख़त्म हो जाता है, 20 डेज में। अगर ये 25 करे और ये 20 ये 75 करे, ये 25 करे तो 30 डेज में काम ख़त्म हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से कितने डेज बढ़ रहे हैं, आपका वो 10 कब, जब यहाँ से ये 50 बढ़ा रहा है। मैं कह रहा हूँ ये 75 बढ़ाता तो, क्योंकि भाई ये मैं कह रहा हूँ पूरा यही कर रहा है, तो 25 तो कर ही रहा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ उसे 75 और कर दे तो पूरा कितना हो जाएगा,
100 हो जाएगा ना, तो 75 बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 5 75, 15 के इसमें दूंगा तो कितना हो जाएगा ये 15। मुझे मालूम चला अगर ये 75 बढ़ाता है तो 20 में ये कितने बढ़ जाएंगे 15, तो कितने हो जाएंगे ए बराबर 35 डेज ले लेगा। अब बी की बारी आती है, मैं कह रहा हूँ दोबारा से देखो, ऐसे कहता हूँ मैं, आप ऐसे समझ सकते हो, अगर ये जो है यहाँ से कितने बढ़ा रहा है, घटा रहा है 25, वो 50 घटा रहा है, तो यहाँ पर दिन कितने बढ़ रहे हैं, यहाँ पे दिन कितने बढ़ रहे हैं 10। मैं कह रहा हूँ इसको 25 और बढ़ाना, क्योंकि भाई 75 तो कर रहा है, 25 और ही अगर बढ़ा देता है तो यहाँ पर कितने दिन कम होंगे देखते हैं। देखो इसका कितना कर दूंगा आधा, तो 25, और इसका आधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा प्लस के 5। इसका मतलब अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो इसे घटाऊंगा, क्योंकि देखो ये दोनों अपोजिट हो रहे हैं, इसमें दोनों बढ़ रहे थे, ठीक है, इन दोनों में बढ़ रहे थे तो मैंने इसमें जोड़ा था तो इसमें भी जोड़ दिया। अब क्या करूँगा मैं, अगर इसमें जोड़ूंगा तो इसे घटाना पड़ेगा, तो इसमें जोड़ूंगा 75 और 2500, तो यहाँ से ही घट जाएगा, तो बी कितने दिन लेगा 15। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे ये बताने की ज़रूरत है, 35 15 और नीचे 50 50 तो होगा, तो काट दो, कट रहा है जितने से भी, तो 5 से कटेगा, 5 7 35 और 5 3 15, तो 7 21 2, तो 10 सही 1/2 डेज देख लेना सही कटाए कि नहीं, वैसे सही कटा होगा क्योंकि 5 से काटूँगा, 5 3 15, 5 7 35, 21 21 सही कटा है, ठीक है, इसमें नन ऑफ दीज हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ए और बी बारी बारी किसी काम को 70 दिन में खत्म करते हैं जबकि बी काम की शुरुआत करता है। अच्छा, यदि काम की शुरुआत बी करे तो वो काम खत्म करने में 17 6 2/3 दिन का समय लगता है, ओके खत्म हो जाता है। ए बी सी मिलकर 5 दिन में ख़त्म कर देते हैं, तो बी और सी कितने दिन में करेंगे जबकि दोनों काम बारी बारी करें। अच्छा, अल्टरनेटिव में कर रहे हैं, तो एक बताओ, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, मैं इसे 18 मान लेता हूँ, तो 18 का आधा कितना होगा 9, तो ए शुरुआत कर रहा है 9 इसे मिल जाएगा, 8 कितने मिल जाएंगे इसको, अब इसे भी 18 मान लेता हूँ, तो आप कहोगे 9 इसे मिल जाएगा, इसे मिल जाएगा 8 सही 2/3। अब मुझे पता चला यहाँ से अगर इसने एक दिन बढ़ाया तो यहाँ से कितना बढ़ाया 1/6 घटा दिया इसने काम अपना, इसने 1/3 घट रहा है, कम कर दिया, तो मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी 20 से 3 गुना है, ठीक है। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो देखो टोटल वर्क यहाँ से 27 27, क्योंकि भाई ये तो कितने दिन कर रहा है 9 9 दिन में 27 यूनिट कर देगा ये प्लस, और ये कितनी एफिशिएंसी, एक एफिशिएंसी से 8 दिन में कितने 8 यूनिट काम करेगा, टोटल यूनिट कितनी होगी 35, तो बी कितने दिन में काम करेगा 35 यूनिट एक की एफिशिएंसी से 35 दिन लेगा, ठीक है, और ए प्लस बी दोनों कितने दिन में काम करेंगे, तो आप कहोगे 35/4। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आगे ए प्लस बी दोनों कितना ले रहे हैं 35/4, और ए प्लस बी प्लस सी कितना ले रहे हैं 5, एलसीएम ले ले, तो एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 35, तो यहाँ पे 35, हाँ 35 ही आ रहा है, तो यहाँ से देखूँगा यहाँ कितने जगह आ जाएगा 7 बार और ये 4, ठीक है, तो सी का जो यूनिट हो गया कितना हो गया 35/3, सी इतने दिन में ले रहा है, बी 35 दिन में कर रहा है, तो इनका भी मैं फिर दोबारा से एलसीएम ले लूँगा, इन दोनों को अल्टरनेटिव डे में कराऊँगा मैं, कैसा बारी बारी क्योंकि पूछ रहा है। अच्छा जी, तो अब इनको कराता हूँ, चलो तो 35, तो ये कितनी यूनिट करेगा एक दिन में, और ये कितनी करेगा ये,
अब मैं कह रहा हूँ 4 की एफिशिएंसी से मुझे मालूम है 2 दिन में कितनी यूनिट काम हो रहा है, 4। ठीक है, 2 दिन में कितना यूनिट हो रहा है, 4। अब मैं 8 का गुणा इधर कर दूं, और 8 का नहीं, 4 4 8 32 सही है, और 8 का इधर कर दूं तो 16 दिन 32 यूनिट काम हो जाएगा। अब बचेगा कितना, 3 यूनिट। अब किसकी बारी होगी, क्योंकि बी सी बी कर रहा है, बी करेगा 1 यूनिट, तो 1 दिन यहाँ बढ़ जाएगा, और यूनिट कितनी हो जाएंगी, 33। अब बचेंगी कितनी, 2 यूनिट। 2 यूनिट के हिसाब से कौन का काम है, सी की बारी आएगी, सी की बारी आएगी, सी 2 यूनिट खत्म करेगा, और दिन कितना ले लेगा, 2 बाई 3, मतलब ये पूरा टोटल दिन कितना हो गया, ये 17 कितना हो गया, देखो 17 17 सही, 2 बट्टे 3, और यूनिट कितनी खत्म हो गई, 35। तो 20 ही मिलकर कितने दिन में करेंगे, 17 सही 2 बट्टे 3 दिन में, तो आंसर कौन सा आएगा, ए। ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छा है, आप इस क्वेश्चन को जरूर देखें अच्छी तरह से। ठीक है, आगे करते हैं, चलो। एक आदमी कुछ राशि 10% और कुछ राशि 12% पर निवेश करके 130 रुपये वार्षिक लाभ कमाता है। अच्छा, यदि वह धनराशि को बदल दे तो 4 रुपये अधिक लाभ प्राप्त करता है, तो 12% पर लगाई गई राशि कितनी होगी। अच्छा देखो, ये राशि लगाई 10% पे, बी जो लगाई 12% पे, तो इस प्रकार 130 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, अब कह रहा है ए जो लगाई है 12% पे, मतलब राशि बदल दी, बी लगाई है 10% पे, तो अब इसको क्या है, 134 का लाभ होता है, 4 एक्स्ट्रा। मैं कह रहा हूँ जोड़ने पर क्या होगा, ये 22 हो जाएगा परसेंट, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी और 264, तो यहाँ से जो होगा ए प्लस बी का मान 22 गम 22 और 22 दूनी 24। अच्छा परसेंट है, परसेंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे 2 0। अब आऊँगा मैं घटाने पर, ठीक है, घटाने पर क्या होगा, देखो घटाऊंगा तो माइनस माइनस, तो हो जाएगा यहाँ से माइनस का 2 ए, परसेंट में होगा ये। ठीक है, माइनस का ये परसेंट और प्लस का बी इंटू 2% बराबर 4। यहाँ से मैं वही परसेंट बताऊँगा, यहाँ 400 हो जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा काट को काट के, तो कितना हो जाएगा, माइनस के ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, अच्छा जोड़ने पर, अब ये जुड़ेगा तो इससे ये कट गया, तो 2 बी का मान कितना आ जाएगा, 1400, तो बी का मान कितना आ गया, 700, तो 700 रुपये इसने कितने लगाए, 8 12%, तो आंसर कौन सा आएगा, ए। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लेना अच्छे से, आगे करते हैं। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर ऑन अल्टरनेटिव डेज कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 19 डेज इफ ए स्टार्टेड वाइल दे वर्क वाइल दे टेक टेक्स नाउ कितने कितनी रहा है, हाँ ये 6 बाई 9 राइट, 5 बाई 6। इफ बी स्टार्टेड द वर्क इन हाउ मेनी डेज, 21st। ए एंड बी वर्किंग टूगेदर ऑन अल्टरनेटिव डेज कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 19 डेज इफ ए स्टार्टेड वाइल दे टेक 9 राइट, 5 बाई 6
इफ वी स्टार्टेड द वर्क हाउ मैनी डेज वुड ए एंड वी फिनिश. अच्छा एक साथ अगर दोनों करेंगे तो कितनी में, देखो यहाँ पर ए हो गया यहाँ पर बी हो गया, इसे 20 मान लेते हैं. कौन पहले ए कर रहा है तो 10 ये करेगा ये, अगर बी करता है शुरुआत तो 10 ये करेगा 9, 5/6 ये करेगा. यहाँ से इसने अगर एक बढ़ाया दिन तो इसने 1/6 कम किया, तो मुझे मालूम चल गई कौन इन दोनों से कौन कम है. भाई दिन तो ये कम ले रहा है, तो ए और बी की दोनों की कितनी क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई 6:1. अच्छा टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया देखो यहाँ से कितना कर लिया 60 ये कर लिया और 9 इसने कर लिया, टोटल 69. दोनों मिलके 7 के एफिशिएंसी से कितने दिन में करेंगे तो देख लो 69/7 यही क्वेश्चन आंसर होगा हमारा. ठीक है आगे करते हैं. अब कह रहा है 75 छात्रों की संख्या में 35 लड़कियां और 6 लड़के हैं. अच्छा जी विज्ञान की टेस्ट के दौरान लड़कों द्वारा प्राप्त अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त अंक से 30 अधिक है. ओके 6 लड़के और 4 लड़कियां, 6 लड़के और 4 लड़कियां क्या नहीं रही टेस्ट में उपस्थित नहीं रही, तो उस समय कक्षा का औसत 23.6 था तो लड़कों द्वारा अंक प्राप्त कितने किए गए. एक बात बताओ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं गर्ल्स, यहाँ लिख देता हूँ बॉयज़, ये अगर 35 रहेंगी तो लड़के कितने रहेंगे तो आपका वो 40. अच्छा अब कह रहा है कि लड़कों को अगर इनको एक्स मिला तो इन्हों को कितने अंक मिलेंगे, यहाँ अंक हैं ठीक है, तो यहाँ इनको कितने मिलेंगे 30 अधिक मिलेंगे सर. अच्छा इनका एवरेज कितना है तो आप कहोगे 2x+30 अपॉन कितने, देखो कितने लड़के नहीं है 6 लड़के नहीं है और 6 लड़के नहीं है 4 लड़के नहीं है तो 10 कम हो गए, पहले 75 था 65 बचे, तो कितना इनका एवरेज आया कितना है 23.6. अच्छा यहाँ तक हो गया 23.6. अब एक काम करो इसमें से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसका गुणा इसमें दिया तो 2x+30=2 तो 1534 आना चाहिए, इसे मैं इसमें से घटा दूँगा तो एक्स की जो वैल्यू निकलेगी आपकी एक्स बराबर जो निकलेगा ठीक है ना, एक्स बराबर जो निकलेगा आपका वो निकलेगा 752. अगर लड़कियों को 752 अंक मिले तो लड़कों को कितने मिलेंगे तो आपका वो 752 में 30 और जोड़ दो तो 782. तो लड़कों का बॉयज़ का जो एवरेज होगा कितना होगा 782 में कितने का देना पड़ेगा, भाई 4 तो है ही नहीं है ना इसमें, सॉरी 6 लड़के तो है ही नहीं है ना, तो 6 है ही नहीं है लड़के तो 40-6=34. मतलब 34 लड़के नहीं है तो इसमें इसका डिवाइड दिया तो देखो यूनिट डेट कितनी आनी चाहिए 2, तो देखो 2 किससे आएगा 23 से ही आएगा और ये किससे आएगा, पर ये तो हो नहीं सकता डिवाइड देकर, देख लो पहले 2 बार जा रहा है फिर 3 बार जा रहा है 23 ही बार जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को. आगे करते हैं. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को समझना अच्छे से. ठीक है ये कह रहा है जब अकेले अकेले काम करते तो ए की तुलना में बी को काम खत्म करने के लिए 25% अधिक समय की आवश्यकता होती है.
वे दोनों तेरे दिन में निम्नलिखित तरीके से पूरा करते हैं, मतलब काम को तेरे दिन में कैसे पूरा करती हैं। ए पहले 50% को काम आधा खत्म कर देता है, ठीक है। उसके बाद ए भी मिलकर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ए और बी 4 दिन एक साथ काम करते हैं और आखिरी 5% काम को पूरा करता है, कौन? बी। तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? अच्छा, तो नहीं, ठीक है, 5 दिन में ये करता है। तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, इसमें इंग्लिश में देख लो। तो इन हाउ मेनी डेज वी कैन फिनिश एलोन एंटायर द जॉब, मतलब बी कितने दिन में पूरी जॉब को खत्म करते हैं। ये देखो, जो 100% काम है तो ऐसे कर लेते हैं, 100% मैंने ये कर लिया, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, अभी मैं ए और बी लिख देता हूँ, इनकी एफिशिएंसी इतनी होगी क्योंकि मुझे मालूम है जो ए है बी की तुलना में समय, अच्छा बी की तुलना में बी ए की तुलना में बी को काम खत्म करने के लिए 25% अधिक समय लगता है। तो मतलब 25% अधिक समय लगता है, तो 25% कम एफिशिएंसी किसकी? बी की ए से। तो मैंने ये एफिशिएंसी का रेशियो ऐसे निकाल लिया, पहले 50% काम कौन कर देता है? ए कर देता है। फिर लास्ट में 5% कौन काम करता है? बी करता है। अब हो गया यहाँ पे 45%, ठीक है। 45% काम को 4 दिन में खत्म कर, 4 दिन करते हैं मिलके, 4 दिन करते हैं मिलके। एक बात बताओ, 45% काम है और 4 दिन है, तो ए एंड बी कितने कितने दिन करेंगे? आप कहोगे 45% को अगर ए और बी करेंगे तो ये तो करेगा 25 ए, और बी कितना करेगा बोलो? बी करेगा 20। तो मुझे मालूम चली बी के बारे में, क्या चीज़ मालूम चली? बी जो है 25% काम 4 दिन में खत्म करता है, ठीक है। अगर मैं 5 का गुणा यहाँ कर दूँ और 5 का गुणा यहाँ कर दूँ तो मुझे मालूम चल जाएगा 100% काम को यह 20 डेज में खत्म कर देगा। क्लियर बात है? तो बी कितने दिन लेगा? ओनली 20 डेज लेगा, काम को खत्म कर देगा पूरे को। अगर ए की पूछता तो आप कहते ए 25% काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है? 4 दिन, 4 दिन में, क्योंकि भाई दोनों 25% 4 दिन में कर रहा है, जे 20% कर रहा है 4 दिन में, ये 25 कर रहा है। तो मैं कहूँगा 4 का गुणा इधर कर लो और 4 का गुणा इधर कर लो, तो आप कहोगे 100% ये काम खत्म करने में लगेगा 16 दिन। तो ये कितने लेगा? 16 दिन पूरा काम खत्म करने में। तो ऐसे करके हम दोनों का काम निकाल सकते थे, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक स्कूल में 4% छात्रों वार्षिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए। अच्छा, 4 के फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? 4 की 1/25, मतलब यहाँ पर टोटल स्टूडेंट लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर कितने हैं आप प्रेजेंट स्टूडेंट? तो मुझे मालूम है 25 में से 24 प्रेजेंट हुए, क्योंकि एक तो हुआ नहीं। अब कह रहा 10, कुल उपस्थित 76 छात्रों में से 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके, 10% नहीं हो सके। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू ये होता है, मतलब 10 में से केवल 9 पास हो सके, एक फेल हो गया, ठीक है। 50% ने डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किए। अच्छा, 50% मतलब 2 में 50% का 1/2 होता है, 2 में से 1 ने, इसे 9 अच्छी तरह लिख दूं, ठीक है। अब ये तो पास छात्र है, ठीक है, पास ही तो स्टूडेंट है।
अब काटा कूटी करना चाहे तो कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, इनको काट लेते हैं हम, किससे, 2 से 12 बार कट गया ये 2 से, ठीक है, ये 2 से 5 बार, चलो इतना ही बहुत है, ठीक है, देखते हैं। तो 5 वो 25 गुणा 10 250 स्टूडेंट थे और 12 नंबर 108, इतने पास हुए, इन पास होने वालों की छात्रों की संख्या कितनी है, कितना है इसका, मेरे हिसाब से 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना, तो 25 चौक 100, 1000 स्टूडेंट होंगे टोटल स्कूल में, ये ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा नीले पेन से कर लो क्या, वैसे कोई मैटर नहीं रखता नीला काला पेन, चलो यहाँ पर 5 स्टूडेंट थे। अच्छा यहाँ पे 9 थे, तो यहाँ से ये 12 बार कटा था, तो यहाँ पे ये 250 हो गया था, यहाँ पे 108 हो गया था, ठीक है। अब ये कितने स्टूडेंट हो गए थे, 432, कितना गुना था, 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कितना होगा, 1000, 1000 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्लास में। आगे करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन को समझो। एक दूध वाला पानी में दूध मिलाता है कितने रेशियो में, दूध और पानी और दूध 1:2 के अनुपात में मिलाता है, यदि पानी का क्रय मूल्य दूध के क्रय मूल्य का 1/10वां भाग है और दूध वाला 120 रुपये, दूध वाला 20% लाभ का दावा करता है, तो उसका वास्तविक लाभ कितना हुआ, एक बात बताओ। मैंने मान लिया यहाँ पे तो दूध है, एक तरफ पानी है, ठीक है, दूध 2 है पानी 1 है, ये 10 के हिसाब से मूल्य है और ये 1 के हिसाब से, तो इसका कॉस्ट प्राइस जो होगा कितना होगा, 20 तो ये हो गया, 1 ये हो गया, टोटल 21। अच्छा सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, एक बात बताओ, ये जो 3 रेशियो को क्या कहेगा, दूध का ही भाव बताएगा, वो तो दूध का भाव बताएगा कितना हो जाएगा, 30, और फिर भी इस पे क्या कर रहा है, 20% का लाभ ले रहा है, 20 की फ्रैक्शनल वैल्यू ये मतलब 36 का बेच रहा है, ठीक है, सेलिंग 36 का और कॉस्ट इतने का, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 21 पे कितने का हो गया, 15 का, कितने का परसेंट की वैल्यू निकालनी है हमें, 100% से भाग कर दो, तो इसका अप्रोक्सीमेट 72 के आसपास आना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन 72 के आसपास आना चाहिए, 71 पॉइंट कुछ, तो 72 ही मान लो अप्रोक्सीमेशन में, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 72% के आसपास हो गया, ठीक है। अच्छा आगे करते हैं क्वेश्चन को, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन, देखो ये 12 12 कुछ नहीं है, दूध दिया होगा, एक दूध दिया दूध को कितने 14.28% छूट पर बेचने का दावा करता है, लेकिन इसमें पानी मिलाता है और उसे X% का लाभ होता है, ठीक है, ये दूध और पानी और दूध का अनुपात 29:48 है, तो उसे X का मान बताइए। एक बात होता हूँ, मिश्रण में पानी हो गया एक तरफ, वाटर एंड मिल्क कितना हो रहा है, 29 और 48, ठीक है, ये हो गया। एक बात बताओ, ये हो गया टोटल, ये जो छूट देगा किस पे देगा, पानी और वाटर भी देगा, तो इसे मैं जोड़ूंगा 77,
77 पे कितने का दे रहा है, इसके फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 1/7 मतलब इसकी होगी एम आर पी ये, ठीक है, एम आर मतलब सेलिंग प्राइस हो गई। अब इसे भाई प्रॉफिट किस पे होगा, मिल्क पे होगा, मिल्क पे कितना प्रॉफिट हो रहा है इसे भाई, मिल्क क्या है 48 ही है, ठीक है 48 है, मिल्क पे क्या हो रहा है 100 प्लस एक्स प्रतिशत का, इसे मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू में बदल लिया। अच्छा 6 से ये 8 और कटेगा, ठीक है, और ये 7 और कट जाएगा, ये 700 हो जाएगा, 6 से 8 बार कहीं गलती हो रही है क्या, 6 से 7 से 11 बार कटेगा ये, सॉरी ये 11 बार कटेगा, ये इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 800 अपॉन 8, ये एक्स की वैल्यू निकलेगी, तो एक्स इक्वल टू तो कितना हो गया यहाँ पर 300 अपॉन 8, तो यहाँ से 25 थी 75/2, तो इसे हम 37.5% का लाभ कह सकते हैं, ठीक है। इस कैलकुलेशन को तो इतना कर सकते हो, आपको जब विधि नहीं मालूम होगी तो कैलकुलेशन कहाँ से करोगे, तो मैंने आपको कैलकुलेशन थोड़ा मन में शॉर्ट कर लिया करो, इतना तो आना चाहिए मन में कैलकुलेट करना, ठीक है। द डेली वेजेस ऑफ अ वर्कर आर 100 रुपीज, 5 वर्कर कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, इफ यू पे 20 रुपीज मोर डेली दे एग्री टू डू 25% मोर वर्क डेली, इफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड देन द टोटल अमाउंट दैट कुड बी सेव्ड। अच्छा एक बात बताओ, मुझे मालूम है 100 रुपये मिल रहे हैं एक वर्कर को, 5 वर्कर को कितने मिलेंगे, आप कहोगे 500 एक दिन के, तो 10 दिन के कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 5000 टोटल, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि क्या कर रहा है, डेली जो है 20 रुपये अधिक बढ़ा रहा है पर वर्कर का, मतलब 120 दे रहा है, ठीक है, और बर्गर कितने हैं, कितने, अच्छा 12 पंजे कितना हो जाए, 60 हो गया, अच्छा 12 पंजे 60। अगर वह काम को 25% बढ़ाता है, क्या समय 20% कम नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये तो पता होगा, पता होना चाहिए। अगर काम को अगर कोई 20% कम करेगा, काम को बढ़ाएगा तो दिन 20% कम हो जाएंगे, तो पहले कितने लग रहे 10, तो अब काम कितने लग जाएंगे 8 दिन में, तो 8 या इसका इसमें दे दो तो कितना हो जाएगा 8 × 6 = 48, ठीक है, पहले 5000 मिल रहे थे अब 2 = 4800, तो कितने रुपए सेव किए, ओनली 200 रुपये, तो कितने रुपए सेव कर चुका वो, इस हिसाब से ओनली 200 रुपये सेव कर चुका, कौन, काम करवाने वाला, नहीं काम करने वालों को तो घाटा हो गया इसमें, ठीक। आगे चलते हैं, चलो पहले इस पेज को सेव कर देते हैं, ये मेरे हिसाब से 13वां पेज था, देख लेते हैं कौन सा पेज है, हाँ 13वां पेज है, ये मैंने सेव कर लिया, आगे चलते हैं, चलो आगे वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है ए और बी किसी काम को 135 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले काम का 4/7 भाग पूरा करे तथा शेष काम को बी करता है, तो काम 114 दिन में ख़त्म हो जाता, तो इस प्रकार ए अकेले काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आए, मतलब पहले ए ने कर दिया फिर बी ने कर दिया, फिर काम टोटल डे में ख़त्म हो गया, ठीक है, तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, ऑप्शन देखो जो टोटल वर्क क्या होगा, ऐसे मान लो टोटल वर्क 7 होगा, तो ए ने कितना किया 4 और बी ने कितना किया 3, ठीक है, 7 से डिविजिबल ऑप्शन में कौन सा, ये देख लो, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए,
तो मैं मान लेता हूँ ए का कितना है 42, 4 यूनिट, ठीक है। और 3 यूनिट इसने कितने दिन में किया, ये देख लो। कैसे निकालूंगा मैं, 35 42 अपॉन कितना हो गया बताओ, 35 42, ये हो गया आपका नीचे 7, ये हो गया, ये कितनी बार कटेगा, 7, 6 बार, 6 5 31, 210, ये हो गया, ये इसके इतने डेज हो गए। बी के डेज कितने हो गए, 210। अच्छा ये ए जो है देख लेते कितना करेगा, मुझे मालूम 7 में से टोटल यूनिट है 7, 7 ही तो है, तो ए जो है 4/7 के हिसाब से कितने दिन में करेगा, यहाँ से कटेंगे ऐसे कितनी बार, 6 24। अगर बी कितने करेगा, 3/7 है, कितना हो जाएगा, 9 और 3, और 3 3 9 90, इन दोनों को जोड़ेंगे, इस हिसाब से काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 114। तो 114 दिन ही तो लग रहे हैं ये, तो इसलिए यही ऑप्शन सबसे अच्छा है। जो टोटल वर्क होता है ये 7 है, 7 टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क से देख लो किसमें भाग जा रहा है, केवल उन्हीं को वेरीफाई करके देख लो, यही बेस्ट तरीका है। इसके अलावा कोई अभी तक मुझे बेस्ट तरीका नहीं मिला है। अगर आपको मिला तो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन इसे सेव करके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, देखो एक स्कूल में छात्रों की संख्या का कितना, 4/9 लड़कियां तथा शेष लड़के, ठीक है। यही लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष की कमाई की है, ठीक है। और लड़कों की संख्या का 5/12, 5/12 लड़कियां 12 या 12 से अधिक आयु की हैं। अगर 12 से कम आयु छात्रों की संख्या कितनी है, 600 वो 880, तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या का 5/18 निकालना। एक बात बताओ इसे कैसे करना चाहोगे आप, टोटल टोटल मैंने मान लिया 25, 25 में यहाँ पर गर्ल, यहाँ पर बॉयज, यहाँ गर्ल्स लिख देता हूँ, यहाँ बॉयज लिख देता हूँ, ठीक है। लड़कियाँ कितनी है इसकी, 20, कि 4/9 निकालूंगा 20 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 25 टोटल ही तो होना है। अब अगर लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष की कमाई हुई है, तो 5 बार कटेगा ये 15 हो जाएगा। अगर मैं लड़कों का 7/12 निकाल लूँ तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4 से काट दूंगा मैं इसे, 4 से कट तो रहा है, 4 से काट दो, तो 4 से ही कट जाएगा, 4 3 12, 4 5 20, 7 5 4 3, इतना आ जाएगा, इतने का आ जाएगा। अरे 4 से काटो, 4 3 12, 4 5 20, ठीक है, इससे 7 5 35 3, ये मैंने ऐसे लिख दिया इसमें। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ेंगे 45, क्योंकि 15 3 45, इधर दे तो 80/3, ये क्या है, ये जो है 12 वर्ष से कम वाले हैं, ठीक है। और इनकी संख्या जो दे रखी है कितनी दे रखी है, 980। अच्छा मैं अगर एक की वैल्यू निकालूँ तो आप कहोगे एक की वैल्यू निकालने के, तो ये हो जाएगी एक की वैल्यू, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, आप कहोगे क्यों हो जाएगी, क्यों भाई, इसे तो गुणा में देंगे, उसे भाग में देंगे, तो 8 6 48, 0 से 0 कट गए, इस 0 से 0 कट गया, तो यहाँ से ये भी हट जाएगा, 8 6 48, ठीक है। और 3 6 18, अब मुझे क्या है, टोटल स्टूडेंट कितने थे 45, टोटल स्टूडेंट कितने थे 45, तो 45 का गुणा इधर, 45 का गुणा इधर। अब इस 45 का कितना निकालना मुझे, 5/18, इसका भी 5/18, इससे ये हट गया, तो 20 और 25 मतलब 2
125 ये आंसर आ गया, तो यही क्वेश्चन है, ऐसे ही करना आपको भी। और कोई तरीका अगर आपके इजी है तो उससे भी कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इजी तरीका। ठीक, आगे चलते हैं। चलो, ए ने 54,000 की राशि के साथ व्यवसाय शुरू किया और बी और सी को क्रमशः 4 महीने और 6 महीने बाद शामिल कर लिया गया। वर्ष के अंत में 1:4:5 के अनुपात में लाभ को क्या विभाजित किया गया, तो बी और सी द्वारा निवेश पूंजी के बीच अंतर बताइए। देखो कैसे करते हैं इसको, यहाँ मैं ए लिख लेता हूँ, यहाँ बी लिख लेता हूँ, यहाँ सी लिख लेता हूँ, यहाँ इनका निवेश लिख लेता हूँ। ठीक है, इसने 54K लगाया, 54,000, इसने एक्स लगाया और इसने वाई लगाया, पता नहीं कितना लगाया, एक्स वाई मान लेता हूँ। और बाद में इनका जो प्रॉफिट था इस हिसाब से मिला, लेकिन कब, जब इसने 8 महीने का ही लगाया। ठीक है, और इसने कितने महीने के लिए आया, इसने 6 महीने का ही लगाया और इसने 12 महीने के लगाया। तो आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हो कि इसे मैं 2 से काट दूँ, 2 ही से काट सकते हो, तो ये बाई था, अगर बाई को 2 से काटूँ, सॉरी ये 6 महीने के लिए, तो 6 को 3 बाई, ये कितना हो जाएगा, 8 महीने के लिए हो तो 4x और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इससे कर दूं और इसका इसमें कर दूं, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर। ठीक है, कैसे हो जाएंगे बराबर, तो मैं एक्स तो 20x इक्वल टू 12y, तो यहाँ से x और y का जो रेशियो निकला है कितना निकल गया, x का 3 और y का 4×3=20। तो देखो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ 3, तो ये कितना हो जाएगा 4×3=12 रेशियो मान लिया मैंने, ये कितना हो जाएगा 15 रेशियो। ठीक है, इसका मुझे नहीं पता, अब मैं इसको अभी यही रहने देता हूँ 54K, इसको मैं अभी कितना रहने देता हूँ 54K। अच्छा एक बात बताओ, इसका मल्टीप्लाई दोनों को कर दूँ तो आप कहोगे कि 4×6×54K इक्वल टू कितना हो जाएगा 12R। अच्छा ये निवेश तो था, ये निवेश के बीच अंतर कितने का, ये देखो आप कहोगे 3 का, तो 3 की वैल्यू निकाल लो बस, सीधी सीधी, ज़्यादा लंबा करने की क्या जरूरत है, तो 3 की वैल्यू तो निकालनी है, 3 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से कितने का 4 से, यहाँ से भी कितना है 4 से, तो इससे ये कट गया, इससे 3, तो 3 जो रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 30 और 20 कितना हो गया 32 भाई, यहाँ से 6×5=30। ठीक है, मतलब 324K मतलब 324,000, तो आंसर मतलब इसे 324,000 भी कह सकते हैं, तो नंबर सी। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, इसके बाद काफ़ी शोर शराबा होने लग गया। ठीक है, इसलिए अगली वीडियो बाद में डालेंगे। सी यू टेक केयर, बाय।